story that we're tracking here. In fact, 1,700 crore rupees of taxpayers' money, months of labor, and a four-lane bridge. It all came crashing down in Bihar's Bhagalpur on Sunday. Now, three pillars of the Aguwani Sultanganj under-construction bridge crumbled, and this triggered the collapse of the entire bridge into River Ganga. Bihar Chief Minister Nitish Kumar says he is pained by the incident and has instructed officials to look into it. He further added that the bridge collapsing for the second time shows lapses in construction. Remember, this is the second time that the same bridge has collapsed in the last 14 months. Last year, the bridge collapsed due to strong winds, but it didn't even need an external stimulus this time around. Meanwhile, officials are also trying to trace the guard who working near the bridge and has been missing since the collapse. लगभग एक किलोमीटर की दूरी से हम लोगों ने नाव के परिचालन को मतलब स्टार्ट करवाया है ताकि अन्य लोगों को भी कोई समस्या ना हो और बाकी जो पुल गिरने से संबंधित ये टेक्निकल चीज़ है इसमें निश्चित रूप से जो मतलब उच्च स्तरीय स्तर पे आदेश भी हो गया है तो जो भी जांच होंगी उसमें आप लोग को फिर अवगत करा दिया जाए। देखिए हम लोग को भी सूचना मिली है कि मतलब कोई खगड़िया के एक हैं जो गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे लेकिन इसकी पुष्टि खगड़िया जिला प्रशासन ही कर पाएगी। अभी मुख्य रूप से हम लोग का यही है कि चूँकि अभी मलबा वगैरह है गिरा हुआ और चूँकि यहाँ पे सामान्यतः लोग नाव से ही इस पार से उस पार आते हैं तो कोई अन्य प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए फोर्स और मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने यहाँ पे दो पाली में प्रतिनियुक्त किया है। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। और फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। बिहार में जिस पुल को ढहते हुए पूरे देश ने देखा उस पुल को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड तैयार कर रही थी। ये वही कंपनी है जो 25 सालों से देश में अलग अलग ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन करती आई है, 100 से ज़्यादा पुल ये बना चुकी है। लेकिन आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि जो पुल वहाँ पर बनाया जा रहा था वो ढह गया और जिसकी अनुमानित लागत पहले 600 करोड़ रुपए बताई गई थी धीरे धीरे उसकी लागत 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और बावजूद इसके ये पुल इतनी कमियों और इतनी खामियों के साथ तैयार किया जा रहा था कि वो बार बार ढह रहा था, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था जब इस तरह का यहाँ पर इस पुल में गड़बड़ी हुई और ये गिरा। इससे पहले भी एक बार इसी साल ये पुल इस तरह ढह चुका है। बिहार में आखिर क्या हो रहा है? क्या ये भ्रष्टाचार का शिकार बना है ये पुल या फिर कुछ और खामियां रह गई? क्या फाइनल रिपोर्ट्स जो IIT रुड़की की आनी थी या फिर जो अलग अलग कंसल्टेंट्स की जो रिपोर्ट्स थी उनको ध्यान में रखा नहीं गया? ये तमाम सवाल लेकर हम पीतमपुरा में आए थे जहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जो टेक्निकल अधिकारी हैं जो इस विषय पर बोल सकते हैं वो सब या तो साइट पर हैं बिहार में या फिर पंचकुला के हेड ऑफिस पर हैं, या ये भी हो सकता है कि वो मीडिया के सामने इस बाबत बात करने से कतरा रहे हों। In fact, SP Singla Construction Private Limited was the company that was building the Bihar Bridge that has collapsed. Like my colleague Shivani was pointing out, spoke to the project engineer Virendra Prasad. He said that the investigation is underway. However, he claimed that the quality of construction is not the reason. There were other factors as well and they are ascertaining it. He claimed that the construction of the bridge was not completed because there has been many hurdles including contractual delay and funds issue as well. Listen in to this conversation with project engineer Birendra Prasad. क्या आपको लग रहा है क्या वजह थी 600 करोड़ से 1700 करोड़ इसकी लागत हो गई, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसकी खराब थी या क्या कारण बताया? मैडम क्वालिटी के उससे नहीं करता है ना, और कई कारण होते हैं सर। इसमें IIT रुड़की की डेली चेक होता है, डेली की जांच होती है। इसमें IIT रुड़की की एक रिपोर्ट आनी थी, उसका क्या इंतजार नहीं किया गया? सर IIT रुड़की की रिपोर्ट आ चुकी है तो उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था क्या सर? उसको भी रखा जा रहा है।
और तमाम कंसल्टेशंस जो दिए जा रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल कंसल्टेशंस भी थे, नेशनल भी थे, तो क्या वजह रही सर, क्यों ऐसा हुआ? ये पूरा काम जो होता है ना वो क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होता है। तो अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ तो दो दो बार इस तरह की घटना कैसे हो गई? तो इसके फेल्योर का क्या कारण है, और अब आपको लगता है कि इसके फेल्योर के कारण को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग कि क्यों हो सकता है, क्यों हुआ? और इसका जो कंप्लीशन का टाइम था वो काफी पहले का था सर, जैसा हमें बताया जा रहा है। तो उसमें तो बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट्स है कि जमीन नहीं था, पैसा नहीं था, पेमेंट नहीं, उसमें बहुत सारे कारण है। Now in Bihar, the BJP has targeted the Nitish government, calling for the Chief Minister's resignation. Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav, meanwhile, has claimed that when one portion of the bridge collapsed last year, considering the fault in the design, they had decided to demolish it and reconstruct the bridge. बीच में इस पुल का हिस्सा, लोहे का हिस्सा उड़ गया था आंधी में, जैसे पेड़ पौधे उड़ते हैं। तब भी हम लोगों ने मांग की थी कि इसका पूरी तरह इसकी जांच होनी चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर पुल बना रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। अब पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, ये पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल ध्वस्त नहीं हुआ है, बिहार सरकार की क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हुई। Now, as people on ground cope with the massive Odisha train tragedy and the Bihar bridge collapse,